आज का आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब आपने मान ज्ञात करने हैं तो कैसे करेंगे, ये आपको दो संख्याएं दी गई है, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो इनको आप ब्रेक कर सकते हैं। इस फॉर्म में करेंगे ब्रेक कि कोई आपको कंप्लीट स्क्वायर दिख नज़र आए। तो 98 को हमने कराया 49 इंटू टू की फॉर्म में, और 72 को आप कर सकते हैं 36 इंटू टू की फॉर्म में। इनको हमने इकट्ठा क्यों करा है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास रूट ए रूट बी इंटू में है तो ये आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं, रूट ए भी। इस तरह से हमने इनको इकट्ठा कर लिया एक। अब यहाँ पर 49 को फिर से ब्रेक कराया 72 की फॉर्म में, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है, तो इस फॉर्म में लिख दिया। अब 36 को 6 की 2 की फॉर्म में, और ये 2 और 2 तो इकट्ठे कर दिए तो 2 की पावर 2 हो गई। अब इनको हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर देंगे, तो क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है और ये पावर 2, तो ये कट हो जाता है ऐसे। तो ऐसे सबकी पावर कट हो गई, ये बच के आपके पास 7 × 2 × 6, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाई की फॉर्म में डिवाइड की फॉर्म में है, तो आपको ये याद रखना है अगर आपके पास अंडर रूट ए अंडर रूट बी अलग अलग है तो आप इनको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने इनको एक सिंगल फॉर्म में लिखा है, जो कट हो रहा है काट दीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं 81 जो होता है वो स्क्वायर होता है 9 का, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, 9 हो गया, 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया, इनको कट कीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ओके बाय बाय।